राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। एयरपोर्ट के टर्मिनल एक पर बारिश की वजह से छत गिरने से वहां मौजूद कई कारें दब गईं। हादसे में 6 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत भी हो गई। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल एक से सभी उड़ानों को निलंबित कर दिया गया है और चेक इन काउंटर बंद कर दिए गए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू IGI एयरपोर्ट पर पहुंचे। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि पूरी तरीके से जांच के बाद ही कल से टर्मिनल 1 को शुरू किया जाएगा। सरकार की ओर से मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया। वहीं घायलों को 3 लाख रुपए मदद देने की घोषणा की गई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारी बारिश की वजह से एयरपोर्ट के बाहर छतरी का एक हिस्सा ढह गया। हम इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। 4 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, इसलिए हम अभी उनका ख्याल रख रहे हैं। हमें तुरंत आपातकाल प्रतिक्रिया दल, अग्निसुरक्षा दल और CISF NDRF की टीमों को भेजा है। सभी लोग मौके पर मौजूद थे और उन्होंने पूरी तरह से निरीक्षण किया ताकि कोई और हताहत ना हो, इसलिए अभी स्थिति नियंत्रण में है। टर्मिनल बिल्डिंग के बाकी हिस्सों को बंद कर दिया गया है और हर चीज को पूरी तरह से जांच की जा रही है ताकि यहां कोई और अप्रिय घटना ना हो। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर हमला बोला है। कांग्रेस ने एयरपोर्ट की छत गिरने को लेकर भाजपा सरकार को घेरा, जबकि सरकार ने भी पलटवार कर कहा कि इसका निर्माण यूपीए सरकार में हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि जिस जगह हादसा हुआ है वो 2019 में बना था। कांग्रेस ने दिल्ली हवाई अड्डे की छत गिरने की घटना को लेकर शुक्रवार को मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही मोदी सरकार के पिछले 10 साल में घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर के ताश के पत्तों की तरह ढहने के लिए जिम्मेदार है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मार्च में प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई जिसमें एक कैब ड्राइवर की मृत्यु हो गई। वहीं 3 महीने पहले प्रधानमंत्री ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ताहाल पर पूरा देश दुखी है। ये भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल ये है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे।